हेलो दोस्तों, वीनास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवैयाँ, लेकिन हम ये नॉर्मल वाली सेवई नहीं बना रहे हैं। इसमें हम कैरेमल का स्वाद देके कैरेमल सेवई बना रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, नॉर्मल सेवई से भी ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। देखने में तो आपको लग ही रही होगी टेस्टी, और छोटी छोटी टिप्स भी दी है मैंने इसे परफेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कैरेमल सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हमको कैरेमल बनाना होगा। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप के लगभग चीनी ली है, और इसे अच्छी तरीके से हम पहले मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखेंगे। जो चाशनी होगी वो बहुत ही जल्दी जल जाती है, और कैरेमल का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसीलिए हमें बातों का ध्यान रखते हुए इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ये हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है इसमें, और चीनी जो है वो धीरे धीरे इसमें मेल्ट होने लगी है। आप देख सकते हैं पूरा मेल्ट हो चुका है। आप चाहे तो चीनी मीठा जितना खाते हो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल गर्म पानी मिला रही हूँ, यहाँ ठंडा पानी ना मिलाए, नहीं तो चीनी जो है वो क्रिस्टल बन जाएगी। इसलिए मैं गर्म पानी मिला रही हूँ ताकि जो कैरेमल है वो क्रिस्टलाइज ना हो। जब हम इसे इस तरीके से रखें थोड़ी देर के लिए, जब तक सेवई बन रही है, तो ये इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा कैरेमल। चलिए अब हम यहाँ पर एक पैन गरम करते हैं। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल रहे हैं, और घी जब अच्छी तरीके से पिघल जाएगा तो हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद का कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। तो काजू भी बहुत जल्दी जलने लगता है, इस कारण से हम इसे जल्दी से फ्राई करके निकाल लेंगे। हल्का सा गोल्डन होगा और हम इसे निकाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने नारियल भी लिया है, लेकिन नारियल भी बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए मैं उसे लास्ट में डाल रही हूँ। बिल्कुल 2 सेकेंड के लिए केवल फ्राई करूँगी, 1 से 2 सेकेंड के लिए, घी का बस फ्लेवर आ जाए और बस हम इसे निकाल लेंगे, नहीं तो फिर ये जल सकता है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें सेवई डालेंगे। तो सेवई मैंने यहाँ पर 1/2 कप ली है। तो मार्केट में 2 तरीके की सेवई उपलब्ध होती है, एक तो पहले से फ्राई रहती है और एक नॉन फ्राई। तो ये नॉन फ्राई वाली है, तो मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन हो जाए, बस इतना ही, ब्राउन नहीं होने देना है हमें इसे। तो ये देखिए सेवई भी अच्छी तरीके से भून गई है। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। तो दूध हमें, हमने जितनी सेवई लिया है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा हमें दूध का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप लिया था सेवई में, यहाँ पे 2 बड़े कप के लगभग दूध डाल रही हूँ। और इस दूध को भी मैंने पहले से ही गाढ़ा किया हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा बॉईल करने की इसे ज़रूरत ना पड़े। तो सेवई भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही दूध को गाढ़ा कर लिया था। तो बस इसे कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है जब तक कि ये बॉयल नहीं होता है, और तब तक हमें उसे उबालना है अच्छी तरीके से, जब तक कि ये हमारा जो दूध लिया है हमने ये आधा नहीं हो जाता है, एक गाढ़ापन नहीं आ जाता है अच्छी तरीके से। और आप देख रहे हैं ये बॉईल हो रहा है, और सेवई भी अच्छी तरीके से पक गई है। सेवई को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अभी और अच्छा कलर आएगा जब हम इसमें कैरेमल को मिलाएंगे। तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है, सेवई भी पक गई है, तो अब सही समय है कि हम इसमें अब कैरेमल डाल देते हैं। और ये देखिए मैंने लास्ट में गर्म पानी डाला था बिल्कुल कैरेमल में, तो ये इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में है, और ये क्रिस्टल नहीं बने हैं इसके। क्रिस्टल बन भी जाते हैं तो कोई बात नहीं गर्म पानी में, क्योंकि हम इसे डाल रहे हैं तो वापस से मेल्ट हो जाएगा, या फिर सेवई में ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है कैरेमल डालने से, और इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ये देखिए आप, ये अच्छे से बॉईल ले लिया है। अब मैं यहाँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो अब हमारी कैरेमल सेवई बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं एक अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है इसमें, देखने में ही लग रहा है ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इसी तरीके से इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए रख देंगे, और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी है। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा था उसे भी मैंने छोटे छोटे भाग में कट कर लिया है, तो हम ऊपर से इसके गार्निश कर देंगे या गरम गरम इसमें मिला देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये हम ऊपर से ड्राई फ्रूट जो भी लिए थे वो अपने पसंद के ले सकते हैं, बस हम इसके ऊपर से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। कैरेमल सेवई हमारी बिल्कुल तैयार है, इसे इसी तरीके से सर्व करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बनाकर ज़रूर देखिएगा। जल्दी हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीनास किचन के साथ।